तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है। देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीधा आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और ये गुजरात की तस्वीरें सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर केवड़िया गुजरात की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बता दें आपको कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। We'll be right back.
सुनो जिरे कथन गगन से करे सिंघम नर सरदार भाव वचन वल्लभ अवस्था तुझको नमन करे सरदार समझ सादगी सरलता सब वल्लभ के श्रृंगार भारत निर्माण का हे जी पटेल तू ही तो आधार
लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया। दोस्तों से ज्यादा ये थे बच्चे, ये थे हमारे नए भारत का भविष्य यानी एसपीसी कैडेट्स, देश के प्रति जोश और उमंग से भरी ये प्रस्तुति। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे भारतवर्ष को एकजुट रखने का हमारे लोह पुरुष श्री सरदार पटेल का यह जज्बा, उन्हीं की राष्ट्र भावना और उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को, उनके विचारों और आदर्शों को सभी भारतीयों के सीने में जिंदा रखने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, वे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज राष्ट्र एकता दिवस पर वे यहाँ पधारे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सहृदय निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपना दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का बरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट। वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती।
तो गुजरात से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जहां पर स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये मैसेज देते हुए नजर आए हैं कि देश के भविष्य के लिए भी एकता कितनी जरूरी है और एकता को किस तरीके से बरकरार रखना है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों ने एकता का संदेश दिया और किस तरीके से अपने गीतों के जरिए बताया कि देश एकता का प्रतीक भविष्य में भी बना रहे, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है।